सारे भाइयों का राम राम। मैं हूं धारा देसी पत्रकार करमू। और भाई देसी चुनावी यात्रा संसार क्रांति की पहुंच गई है रतिया में कट रहा है कटिया। क्या खतर कटिया कट रहा है? टिकटा खातर। टिकटा की आपा दापी मैचरी है। इस रोड पर तो 2 किलोमीटर तीन चलोगे तो सारे अपने अपने बैनर होर्डिंग टांग रहे। तो इस टाइम हम जो पॉइंट पर हाँ वो डीएल हंसू जी का पॉइंट है। तो आ रहे मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचने वाली है। और भाई विकास मंच रतिया की बात करा और भाई चीफ साहब हैं दक्षिण हरियाणा बिजली निगम के। पहले तो हाथ ला के देख लें बिजली का झटका है हैं? बिजली इलेक्ट्रिक मैन है झटका बिजली है हैं? भाई जब बिजली बोर्ड के रिटायर्ड अधिकारी है तो करंट तो होगा ही होगा हैं? बगैर करंट के तो बात ही नहीं करते हम। नु अपनी लाशी ना कोई खाती नहीं बता इन्हें पूछा करंट है मानस में करंट है, है? बंदी की बात सी काम बहन दोगे मेरा ये समझ में आवे है सिर पर को तो नहीं जानती फिर ठीक है पक्के हैं जी मानस तो दरे। अच्छा डीएल साहब आपका जो मतलब मुख्यमंत्री जी की जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है जड़े भी जावे हैं एक जिक्र जरूर चलावे हैं। ड्राइविंग भाई मेरा तो यू लाइसेंस है इसकी एक्सपायर डेट होली रिन्यू करवाना है। और आपका नाम हो तो दर्शन लाल मैं तो ड्राइविंग लाइसेंस बोल जा रहा हूँ। आपका भी मतलब ड्राइविंग लाइसेंस की बात करा यू रिन्यू करवाने की बात करा यू रिन्यू हो जाएगा कि नहीं कागजा में कमी तो नहीं पैजे यू है 100% रिन्यू होगा। अच्छा पर मैं यू कहूं रिन्यू तो भाई जो पहले एमएलए बने हो ना वो दोबारा बनने की कोशिश करे उसने कहा हम तो फ्रेश है फ्रेश तो ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा बनेगा बड़ा लाइसेंस की बात करूं हूं सारा रोड़ा कुर्सी का हैवी लाइसेंस हैवी लाइसेंस बन जाएगा नहीं बिल्कुल पक्का बनेगा हैवी लाइसेंस। अच्छा कागजा में कमी तो नहीं होगी ना बिल्कुल कताई नहीं। मुख्यमंत्री जी पहुंचने वाले हैं बड़े बड़े कटआउट ला दिए पीछे से कटआउट होने देखते हुए मुख्यमंत्री जी का तो की सकल जगह मुख्यमंत्री जी का इतने बड़े बड़े कटआउट लाने की जरूरत थी उनको नहीं पेटा भर दूंगा। देखिए इसमें जो आप कहना चाहते हैं कटआउट की बात नहीं हो रही। अच्छा जी बात हो रही प्रेम प्यार की। हम जिनको दिल से चाहते हैं क्यों ना उनका इतना कद बढ़ाया जाए कि पूरा हरियाणा उनके गुणगान करे। और वैसे तो हरियाणा गुणगान कर ही रहा है उसमें कोई शक नहीं है। जो हरियाणा के अंदर इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं कार्यान्वित हो रही हैं महिलाओं के लिए नौजवानों के लिए देखिए हर तरीके से तो क्यों ना हम माननीय मुख्यमंत्री जी का कद मैं तो इससे ऊंचा और भी बना देता अगर वो फ्लेक्स वाले कहते जी हम इतनी हाइट बढ़ा सकते हैं। डीएल साहब ठीक ठाक चल रहा था सारा सिस्टम इतना आप मैदान में नहीं आए थे आपका हाई टेंशन वायर वाला काम हो गया या टेंशन कहीं आगे बिठा दिया आपने हाई टेंशन क्यों बिजली महकमे का बंदा है चीफ है यार या हाई टेंशन वायर या कहीं आगे दिक्कत हो रही है हाई टेंशन दे दी इतने डीएल साहब दर्शन लाल जी मैदान में नहीं थे रतियाला में इतने ठीक ठाक था सिस्टम सब बंदा था किसी का आपका मैदान में खुद दे तोड़ दिया आपने भी है। देखिए हमारा काम है लो टेंशन को हाई टेंशन में कन्वर्ट करना। अच्छा। और वो देख आज सवेरे जो है ना 10 फुट ऊंची करवा दी। अच्छा करवा ठीक है तो ये प्रैक्टिकल है। और बाकी रही बात है भाई ये प्रजातंत्र है प्रजातंत्र में हर आदमी को अधिकार है वो अपनी बात रख सकता है वो कहीं से भी जाके अपने आप को पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर सकता है कि मैं भी हूं आपके सामने। तो इसमें कोई मेरे लिए कोई नई बात नहीं है कि वो सोच रहे हैं भी हमारे लिए हाई टेंशन आ गई वो तो उनका नजरिया है। और ये एक मिनट और ये किसे के टेंशन इन कांड है और ये किसे के के को हो इनके हक में से सारे। अच्छा 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 जी नु बताओ ये मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं और लोगों बैठने का मौका मिलेगा उड़े प्रोग्राम बना के साइड में बैठने का जी जी और बैठे बैठे कान में कि मैं कहने का मौका मिलेगा जी के कहोगे बात यूं है कान में कहने वाली तो भाई पितर की बात बताइयो पितर की बात सुन ले। यूं है मैं आज यहाँ मुख्यमंत्री को जो इतनी पब्लिक मेरी यहाँ इकट्ठी हुई है ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है यानी के माननीय मुख्यमंत्री जी ये देखें कि ये पब्लिक जो है जनता जनार्दन ये चीफ इंजीनियर के साथ है। और मैंने तो मुख्यमंत्री जी को यही चीज दिखानी है कि पूरी पब्लिक मेरे साथ है साथ होगा चीफ साहब के साथ हो गए
मैंने तो हाथ खड़े करने में कौन कहा था, हूँ पहले हाथ खड़े करके सिखा रखे क्या आपने? पहले हाथ है गे चीफ साहब के कल हो उछल उछल के कह रहे। अच्छा विकास मंत्री बना दिया, विकास मंत्र दिया, फिर उसे गल विकास कर लियो, टिकट मांगने की क्या जरूरत है, उसे गल कर लियो विकास। आप जो कह रहे हैं ना, देखो विकास मंच एक एनजीओ है, गैर राजनीतिक दल है। अच्छा। लेकिन जब तक हम लोग कोई भी लगा ले पावर में नहीं आएंगे, तभी तो हम पब्लिक का विकास कर पाएंगे। तो पावर में आने के लिए राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करना और उसके बाद पावर में आना, यही तो विकास की निशानी है। एक बात है, आप भी रिटायर होंगे, राजनीति तो सीख गए, राजनीतिक बात करो पूरी टोटली। यूं है कर्मु भाई, ना तो हमने अपनी लाइफ में ना 34 साल की सर्विस कर ली, और 34 साल में तब भी हमने राजनीति नहीं की। राजनीति अलग चीज है और कर्म करना अलग चीज है। तो यहाँ तो जब पावर में आएंगे तो उसी धुन के साथ, जिस धुन में हम एज ए चीफ इंजीनियर सवार थे, उसी धुन में अब आगे एज ए पॉलिटिशियन सवार होंगे, ताकि हमारे गरीब तबके का, हमारे नौजवान साथियों का और इस रतिया हलके का विकास हो सके। उसी कड़ी में हम जो है पावर में आना चाहते हैं। वो तो चीफ साहब नु है, टिकट मिले पाछा है सगरे, आपका तो नाम में फीलिंग है डीएल अंशु, टिकट मिली नहीं हंसण हो लाई पहले नाम में आ गया। ये तो जो ना कुदरत की देन है। अब नाम ऐसा हो गया, मैचिंग बिठा दोगे? मैचिंग तो बैठी बिठाई है। ये यू क्रिकेट का मैदान भर का काम है, कैमरा कौन जोर कर मारते, और इट विकेट भी उसका है। आपके आपका क्या हो? देखो मेरी बात सुनो, 100% जो है ना, 100% तो मैं आपको उस दिन कहूंगा जिस दिन मेरे हाथ में आ जाएगी। कोशिश है, कोशिश में एफर्ट्स करना, मेहनत करना, उसमें हम चारों जो कॉर्नर कहलाते हैं ना, चारों तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बाकी फल देना उसका परमात्मा का काम है, कोशिश में कोई कमी है नहीं। अरे ये पब्लिक खड़ी है, जो इसी कोशिश का एक हिस्सा है जो मेरे साथ खड़ी है। यह बात खड़ी कहीं नहीं तो गणखरेनो का है, मेरे तो जेब में टिकट है। नहीं जी, और मैं कह रहा हूँ बीजेपी की टिकट है या बस की टिकट होनी? देखिए ना, तो बस की टिकट की बात करूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करूंगा कि मैं अपने एफर्ट्स कर रहा हूं, मैं अपने प्रयत्न कर रहा हूं, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं कि ये पब्लिक, जनता जनार्दन, रतिया के निवासी, 36 बिरादरी, बहन और भाई, मेरे बुजुर्ग सभी मेरे साथ हैं। चलो जी, या तो आपने कहीं, मैं लोगों ने पूछूंगा अब जाकर। बाकी प्रकृति का नजारा देखना हो, एक ऐसा संजोग बैठ रहा है, सूरज भी लिकट रहा है और चांद भी लिकट रहा है, यू प्रकृति का संजोग देखो भाई, है नजारा है यू। या जिस परमात्मा की बात कर रहे थे ना डीएल साहब, या परमात्मा की देन है, एक तरफ सूरज एक तरफ चांद, दोनों चीजें एक साथ देखने लग रहे हो, यू तो बैठ गया संजोग का सुत्ता। अरीब नु का आरम्भ ला अपनी लासी ने कोई खट नहीं बताया था, इविन पूछ लूंगा मैं क्यों करके सूत है। आप अपना काम बांध लो, मामा अपना काम बांधेंगे। इसकी कितने रेंज है भाई, कितने की रेंज है और तक की है? चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। हाँ भाई, तो पहुंच गए हैं इनके समर्थकों के बीच। हाँ जी, बांध दोगे काम? बांध देंगे, बांध देंगे, पक्की बात है, पक्की बात है, करता हो आप रहते हैं रतिया से? अच्छा। हाँ, इस रतिया में किसका कटिया कट रहा है? किसका कटिया कटागा हूँ तो सारे कटिया काट रहे हैं। मारा तो डीएल अंशु है ना, ये जिंदाबाद से है, बन जाएगी बात, बन जाएगी बात। अच्छा भाई, किसी ने आज तक मेरा नाम रहेगा, आज तक किसी ने विकास नहीं किया रतिया का, पिछड़े भर गए रतिया और पिछड़े रह रहे। अब की बार अंशु साहब को टिकट मिलेगी तो क्या पता रतिया की किस्मत चमकेगी। विश्वास है, विश्वास है, बनेगा बनेगा कौन बनेगा, बनेगा 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 बनेगा। भाई मैं आ रहा हूँ बुथन से, हमारे गांव की राजनीति बहुत तगड़ी है, कि चौधरी बंसीलाल की ससुराल है, तो हमारे गांव बुथन कलाम में अशु भाई की बल्ले बल्ले है, बाकी सब थल्ले थल्ले। सच्ची जी जानू मेहनत करांगा, पढ़े लिखे है आगे। चलो मुख्यमंत्री जी भी थोड़ी आने पहुंचने वाले हैं, मैं एक दो और
थोड़े सैंपल ले लूं, कोई कहता नूह पैच है भाई कुछ नहीं मानस ही तो नूह कह दे दो। हाँ जी किस मानस है? हाँ जी डी एल आंसू जिंदाबाद है। जिंदाबाद एक के पाड़ा पड़ रहा जिंदाबाद है। चलो जी एक आता मेरी समझ में भी नहीं आओ मनवाना है मारे दर्शकों ने राम राम कर दो, राम राम करो तेज आन दो, राम राम वाली पार्टी या राम राम सत श्री अकाल सत श्री अकाल कर दो मार दो। हाँ जी हाँ जी बन जाएगी बात है बन जूगी गल बन जूगी। हाँ जी बोलो जी 100% भाई साहब 100% बिल्कुल 100% किस चीज़ हंसू साहब 100% होंगे इसके दौर तो है हर बात के दौर तो है। नहीं नहीं कोई बात नहीं बन जी हाँ बिल्कुल बनेगी ना जी। चलो जी तो भाई धीरे 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 आ रहे हैं जैसे जैसे टाइम जो कल मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा आ रहे पहुंचेगी तो आप देखोगे भीड़ उमड़नी शुरू होगी है। हाँ जी वोट देंगे और नहीं दूसरा दिन देंगे कोई बड़ी खबर बड़ी खबर है सुना टिकट मिला की तो बीजेपी की वोट और नहीं मिली तो फिर बीजेपी की वोट कौन ही लव कमाल की बात कह दिया तो न्यू बात है। हाँ जी बिल्कुल जी डर से रहे में? ना डर क्या जी ना काम बांध दोगे बिल्कुल बांध देंगे लटसा काट दोगे लटसा काट देंगे नहीं जी चाह मन जुगर लट कर जाकर इनू काट देंगे हर टिकट मिल की नहीं तन मंदन था डी एल एन सुसाब थी संसद में भेज देंगे। विधायक तो बना दो पहले टेक्निकल आदमी है बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले आएगा सेंटर के भी और स्टेट के भी टिकट भी टेक्निकल तरीके से बिल्कुल कट्टा करो ग्रुप कट्टा करो। चलो जी चलो भाई ये डीएल अंशु के समर्थक और डीएल अंशु ने पहले तैयारी बिठा दी थी जो विकास मंत्रालय बना रखा था उसके माध्यम से काफी सारी पकड़ आड़े बना रखी सोशल एक्टिविस्ट कर सोशल इंजीनियर के तौर पर भी पहचान है चीफ इंजीनियर तो है ये महकमा में इसके साथ साथ सोशल इंजीनियर भी है जिसकी वजह से एरिया में अच्छी पकड़ है। मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर में पहुंचेंगे बाकी काउंट डाउन शुरू हो गया है रुक जा भाई दूर को थोड़ा काउंट डाउन शुरू हो गया है जुकर जुकर आचार संहिता का टाइम लेवल लगेगा न्यू टिकटा की भी टिकटा का वितरण भी शुरू हो जाएगा रतिया में किसका कटिया कटेगा वो तो मैंने बताया भाई की बाप रहेगी कट दूंगा भाई ये कबड्डी खिलाड़ी है रतिया उसके सारे देख की मैं कहना है तुमने बताया सारे रतिया जो से युवा खिलाड़ी है वो डी एल एन सू के साथ है। अच्छा हाँ राजनीति की कबड्डी में राइड करते चलो भाई तो यू राजनीति कबड्डी भी शुरू हो गया गैमा गैमी शुरू हो गई है डमडमा शुरू हो गया है इलेक्शन का और देखो मारे गिल हरियाणवी अंदाज में अंदाज हरियाणवी है लेकिन बात कह रही है बिना सिर पैर की बात करा कोनी बिना सिर पैर की बात कौन करा। तो भाई काम किसा बन दिया है वो तो हमारी यह वीडियो देखियो बताइयो डी एल आंसु जो टिकट के लिए आड़े अपना एक शक्ति प्रदर्शन कह सको एक पॉइंट मिल गया है मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचेगी और इनका प्रोग्राम ने देखा था हम बताओ इस मानस ने टिकट मिल सके कि नहीं मिल सके और टिकट मिल जाएगी तो काम बहन देगा अगर नहीं बहन देगा इन पूछू बहन देगा काम बहन देगा। चलो भाई एक बार मेरे के लिए मिलकर सारे बोलो जय हरियाणा जय हरियाणा जय हरियाणा जय हरियाणा ठोको शेर भाई जय हो।